गाय मारती भी ऐसे मतलब गुड़ के लिए। अपने जो गौ सेवा आती है वो कर रहे हैं काफी 15 से 20 दिन कंटिन्यू हो गए इनको। ये देखो इतनी गाय बैठी है, इनमें से 2 की भी 3 की भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो लोगों को पता लग जाता है जो आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे गाय बैठी है। थोड़े कुत्तों को भी डाल देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और गाइज आज मैं और आपको टीम दिख रही है वो दूसरी दिख रही है। पहले मैं सबका इंट्रो दे देता हूँ। ये भाई अक्षय भाई और ये अपने अशोक शर्मा। अशोक शर्मा ये अपने दिनो भाई, ये मेरे बचपन के क्लासमेट है। वो अपने टिनू सूरज और वो पीछे ये अपने नाम भूल गया मैं। ताऊजी भी हमारे पास हैं, विकी ताऊजी, प्रमोद और उनका क्या लक्ष्य लोकेश भाई। लोकेश भाई और ये है अपने हुड्डा जी। सूरज को तो आप जानते होंगे, पहले भी देखा है व्लॉग में। तो अब बताता हूँ ये क्या है। ये लोग अपने जो गौ सेवा आती है वो कर रहे हैं काफी 15 से 20 दिन कंटिन्यू हो गए इनको करते हुए। चूरू के आसपास जितना भी एरिया है उसको कवर करते हैं। लास्ट 2 दिन से इनके साथ हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा इनका पार्ट बनना चाहिए। तो मनोज और वो आने वाले थे, वो आए नहीं। और जो इनकी टीम है उनका नाम है कि टीम का क्या नाम है, बक्तावर टीम। तो अब चलते हैं इनके साथ। लवनीस और वो आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि लवनीस हॉस्पिटल में बिजी है। बाकी चलते हैं। और अब चलते हैं क्यों टिनू। जरूर भैया, ऑन द वे। तो ये फट्टा है, इसका ये फायदा देखो लाइट फ्लैश में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपनी अपनी पीछे ताऊ जी आ रहे हैं हमारे। आ जाएंगे फतेहपुर साइड में। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि नाइट में क्यों जा रहे हैं, तो नाइट में इसलिए कि हर गाय अपना रोड में नहीं बैठती। तो ये होगा कि जो गाय रोड पे ही बैठती ना उनके ऊपर पता रहेगा और उन्हीं के लिए वो जो फट्टा है उनके गले में लग जाएगा, इसलिए नाइट में निकलते हैं। वरना दिन में भी डल जाए, लेकिन दिन में क्या होता है कुछ गाय घर पे चली जाती है, कुछ गलियों में बैठती है, ये रीजन होता है। गाइस जो फट्टा डाल रहे थे ना उसमें नाइट में कहता था, पहले मैंने सोचा था कि ऐसे लगेगा कि अरे इंटो का खेल है। और लिटरली बताऊँ ना तो मेरे से 3 से 6 मतलब 3 तो मैंने खुद ने अकेले की तरफ से इगुड पूरा खिलाई डाला था और 3 की इसकी मदद से सिर्फ 6 डले थे। मान लो तो 5 घंटे में आगे, क्योंकि हम निकले थे ऑलमोस्ट 11 बजे निकले थे और 4-5 बजे घर पर आए थे। आप देख लो इस टाइम से 6 घंटे डले थे, 7 इन्होंने डाले थे और वाले टीम ने डाले थे। मामोसा भी थे आज है नहीं, बाकी मिक्सिंग मामोसा लास्टिंग भाई है टीनो भाई। और गाइस कुछ गायों के आपको दिख भी रहा होगा पट्टा डाला हुआ, ये हमारी टीम का डाला हुआ है। और कुछ इस साइड अब देखो इतनी गाय बैठी है, इनमें से 2 की भी 3 की भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो लोगों को पता लग जाता है जो आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे गाय बैठी है। तो इनकी भी सेफ्टी है और उनकी भी सेफ्टी है। बाकी टीम आ गई, अब धीरे धीरे इन सबको डाल देंगे। हुड्डा आ गया ए कुत्तिया, तो सब चले। अब धीरे धीरे जैसे ये भी हमारी हेल्प करेंगे। हाँ भाई जी, अब डालते हैं सीधा। नहीं नहीं गाय के पट्टो डालना है भाई। वो भाई पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अब सब चल रहे हैं एक एक। ये हमारे सूरज काफी मेहनती सारा ये टेंडर रखता है, सूरज के पास रहता है टेंडर। बाकी पीछे डाल के आ रहे हैं, क्या है कि एकदम से डालें तो गाय उठ जाती है। थोड़े कुत्तों को भी डाल देते हैं। तो गाइस अब चलते हैं सीधा डालते हैं। गुड़ भी रखते हैं ताकि गाय भागे नहीं, जैसे ही उठ के जाने लगी तो धीरे धीरे करके डालेंगे। और मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि गाय इतनी सारी उठ के भागे ना तो ये रुकती नहीं है, फिर तो किसी के आगे भी आ सकती है और फिर डलेगा नहीं। ये देखो टिनू ने लकीली डाल दिया इसके आराम से। ये देखो दिनों फुल फॉर्म में, सबसे ज्यादा ये डालता है दिनों, पट्टो डालता है मतलब। देखो टेक्निक गाय मारती भी ऐसे मतलब गुड़ के लिए भागती है। गाइस ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है देखो, क्योंकि डलवाते नहीं है भाग जाते हैं ये। अब देखो दिनों जाएगा गुड़ खिलाएगा प्यार से, ऐसे पकड़ना पड़ेगा।
अब जब उन्होंने तीन का पकड़ लिया कैसे हालत खराब करती सबकी। अब देखो प्यार से इतना बड़ा जो ये बैल है, जब ये मारने पे आता है ना तब समझ में आती है कैसे कैसे मारता है। अब देखो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अब क्या है कि यही जो गाय हैं सारी वही सब इस हाईवे पे आ जाएगी, तो इनको सेलेक्ट कर करके, कुछ गायें गांव में भी है तो उनको कोई इतना वो नहीं है, अब इनमें दो चार के भी डल जाएगा ना तो रिफ्लेक्ट हो के पता लग जाएगा। ऑलमोस्ट सारे फटे डाले आए हैं, लोकेशन इनकी दी हुई थी आज। दुखी पाया अब सब क्या टाइट है। और गाइस रात को आते ही मैं सो गया था क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट ये मान लो 2 बज गए थे। बाकी अच्छा था और करके जो काम किया वो अच्छा लगा, और जो टीम पहले से कर रही है तो उनका तो कहना ही क्या, काफ़ी दिन से कर रहे हैं। मेरी तो 2 दिन में ही हो गई थी हालत क्योंकि रात को लेट तक और काफ़ी चलो स्ट्रगल करना पड़ता है इस वजह से। बाकी अगर आप लोग भी करना चाहो ये काम तो काफ़ी अच्छा है और आप कर सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप ये फट्टे वगैरह मंगा सकते हो। अगर चुरू से या फिर जैसे भी देख रहे हो नोखा गांव है वहाँ से आपको ये पट्टे मिल जाएंगे और शायद 30 से 35 रुपये MRPP के बीच में एक पट्टा पड़ेगा आपको, तो आप लोग मंगवा सकते हो। मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा जहाँ से आते हैं। बाकी आप अगर घर के पास जो गाय आती है जो अपने लोकल में घूमती है अगर उन्हें भी रोटी दो थोड़ी बहुत, उनको मतलब कहते हैं ना कि हेल्प करो तो भी अच्छी बात है अपनी तरफ से। तो इसी ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।